करते हुए सभी लोग एक स्वर में ये कहते हैं, इस वक्त कहते हुए सुनाई दे रहे हैं एक दूसरे से। इस वक्त आप देख सकते हैं ललिता घाट की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी को लगाने के लिए माँ गंगा के अंदर जा रहे हैं। निश्चित तौर से ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ऐतिहासिक और वही एक आस्था की डुबकी, क्योंकि ये मान्यता है किस प्रकार से माँ गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ के चरणों में गंगा जल को अर्पित किया जाता है, और यही उस पूरी आस्था का एक पड़ाव का एक बड़ा केंद्र होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने के लिए माँ गंगा में मौजूद है। माँ गंगा को आत्मसात करना, उनके चरणों में जाना, श्री चरणों का आशीर्वाद लेना, और ये एक पूरी विधि विधान का एक अपने आप में एक बड़ा संगम के तौर पर देखा जाता है। इससे पहले भी हमने देखा था जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, प्रधानमंत्री ने वहां पर भी आस्था की डुबकी का आनंद लिया था, वहां पे उसका आशीर्वाद दिया था, और अब काशी विश्वनाथ के दरबार में वहां पे पहुंचने से पहले माँ गंगा में जाकर डुबकी लगाना पूरी आस्था के साथ में, पूरे भक्ति के साथ में, रीति रिवाज के साथ में, और यहाँ पर भगवान सूर्य को नमन करना और उनको नमन करते हुए जल अर्पित करना, और साथ ही साथ वहां पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री की आस्था साफ तौर से झलकती है। वो एक विश्वास साफ तौर से झलकता है, जो यहाँ का विधि विधान है उसको नमन करने का जो भाव है वो साफ तौर पर झलकता है, और गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चुकी है कि आप वहां पर डुबकी लगा सकते हैं। ये एक संदेश भी साफ तौर पे दिखाई पड़ता है, और प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं, माँ गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई। इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपने इस पूजा माध्यम को, भाव को दर्शाते हुए, और निश्चित तौर से भगवान शिव, भगवान सूर्य को वो तर्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, और वहां पर वो उनके हाथ में जो कलश से निर्मल हो चुकी है कि आप वहां पर डुबकी लगा सकते हैं। ये एक संदेश भी साफ तौर पे दिखाई पड़ता है, और प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं, माँ गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई। इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपने इस पूजा माध्यम को, भाव को दर्शाते हुए चक्षु खुल जाता है। स्वयं माँ गंगा के भी तीन नेत्र हैं, उनके दो हाथों में भरे हुए कलश और दो हाथों में वो सुंदर कमल धारण किए हुए भक्तों के लिए परम इष्ट, वो स्वयं ब्रह्मा का रूप है, विष्णु का रूप है, भगवान शिव का रूप है, यानी तीनों का रूप, तीनों के कार्य करने वाली, मस्तक पर सुशोभित चंद्र जटित मुकुट वाली और सुंदर श्वेत वस्त्रों से विभूषित माँ गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। ये माँ गंगा का आध्यात्मिक स्वरूप जिस पूज्य संतों का अभिवादन करते हुए सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उन श्रमिकों के श्रम को सम्मान देने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए।